एनआरए केएसआर फाउंडेशन चेयरमैन कांग्रेस नेता कंदी श्रीनिवास रेड्डी सामाजिक सेवलो दूसुकुपोतुन्नारु आदिलाबाद नियोजकवर्गंलोनी प्रजल हृदयाल्लो चेरगनी मुद्र वेसुकुन्नारु तन सेवा कार्यक्रमाल द्वारा जनं आदराभिमानालु चूरगुंटुन्नारु प्रजल मनिषिगा मंचि गुर्तिंपु तेच्चुकुंटुन्नारु महिलालनु तन तोबुट्टुवुला भाविंचि ओ अन्नलागा वारिकि प्रेजर कुकर्लु अंदिस्तुन्नारु ई पंपणीतो आडबिड्ड कल्लल्लो आनंदं वेल्लिविरुस्तोंदि पट्टणंलोनी चिलकूरि लक्ष्मीनगर वाटिलो निर्वहिंचिन ई कार्यक्रम ఆయన సతీ సమేతంగా హాజరయ్యారు కాలనీ వాసులు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికారు మంగళ హారతిని పట్టి సాదరంగా ఆహ్వానించారు అనంతరం కాలనీలోని మహిళలకు కుక్కర్లను అందజేశారు ప్రెజర్ కుక్కర్ల ప్రాధాన్యతను కాలనీ వాసులకు వివరించారు పౌష్టిక ఆహారం అందించడం కోసమే వీటిని ఇస్తున్నానని ప్రతి ఒక్కరూ వీటిలో ఆహారం వండుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న తనకు ప్రజల నుండి వస్తున్న ఆదరణను చూసి ఓర్వలేకనే ఇటువంటి బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నాడని ఆరోపించారు కలలన్నీ నెరవేర్చగన్న కదిలాడు ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి తన జీవితం అన్నాడు ప్రజలు కన్న కలలన్నీ నెరవేర్చగన్న కదిలాడు ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి తన జీవితం అన్నాడు ప్రజల కష్టాలను చూసి కరిగే కంటి నీరతడు ప్రజల కష్టాలను చూసి కరిగే కంటి నీరతడు మార్పుతోనే మన బతుకంటూ అన్ని అండగా మారాడు పేదల కష్టం తీర్చేవాడు పెదవులపై చెరునవ్వి Thank you.
భాషని వైమ శ్వాసని వైమ వెంట ఉంటావు మగోసదీర్చావో పెద్ద పిలుపుకి నేనున్ననంటావు జన్మల బంధము కందీసీ నన్నా అన్నా సీనన్నా మా కందీసీ నన్నా అన్నా సీనన్నా శ్రీనివాస రెడ్డన్నా आदाब जय भीम जय आदिवासी राम राम सबको नमस्कार। ये प्रोग्राम को हमारा कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशन के कुकरों को प्रेशर कुकर कूपन को बांटने में हमारा पूरा चिलकुरी लक्ष्मी नगर के हमारा टीम वॉलेंटियर्स बहुत मेहनत किया। उनको सबको सब जनों को मेरा सलाम अलैकुम नमस्कार। हमारा फाउंडेशन में कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशन से ये प्रेशर कुकर देने का एक अवसर मेरा धर्मपत्नी मोना और मेरा धर्मपत्नी मोना ने एक साल इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया। आदिलाबाद की मेरा बहन जी मेरा दीदी और मेरा माता पिताजी का आशीर्वाद से इतना सफलता पाया और इसके मेरा मैं बीवी को एक साल से पूछ रहा हूं। हमारा बहन जी को दीदी को चाची को मौसी को दादी को क्या तोहफा देंगे, हम क्या तोहफा दिए तो अच्छा उनको उपयोग होता, ये हम पूरा रिसर्च किया। तो इन्होंने एक साल वक्त लगा के अभी मैं दो साल से पूरा राजनीति में पॉलिटिक्स में बिजी हैं। आपका सबका आशीर्वाद मेरा परिवार को चाहिए। तो उन्होंने बहुत बहुत रिसर्च करके डॉक्टरों से इंटेलेक्चुअल से बात किया और उनके बाद वो मुझे सलाह दिया प्रेशर कुकर हम हर एक बहन जी दीदी को देंगे, एक 5 लीटर का प्रेशर कुकर। तो मैं आपको सबको मालूम है मैं ये कुकर ही नहीं कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशन से मैं अमेरिका में जितना भी मेरा मेहनत का पैसा है दिन रात मैं मेहनत करके जो कमाया इससे हम शादी का तोहफा दे रहे और पानी का टैंकरों से पानी इधर भी आया होगा पानी का टैंकर कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशन से और खाना हमको 1000 लोग हर दिन हमारा ऑफिस में दोपहर मजदूर करने वाला हमारी करने वाला 1000 लोग मेरा ऑफिस में खाना खा रहे 1000 लोग मुफ्त में और एम्बुलेंस का सर्विस चालू किया ऐसा आपका आशीर्वाद से। मैं मेरा शादी के पहले ही मेरा बीवी को बताया मैं जितना भी कमाया मेरा जीवन में जिंदगी में आधा ही मेरे परिवार के लिए आधा मैं गरीबों को बांट दूंगा। अब पूछो मेरा बीवी को भी। तो एक आपसे सबसे विनती है ए चिलकुरी लक्ष्मी नगर मैं आपको सबको मालूम है मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं नेता हूं आपको सबको मालूम है मेरा हाथ का निशान है मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। ये चिलकुरी लक्ष्मी नगर में प्लॉट कौन बांटा कौन बांटा छोटू कौन बांटा ये पूरा प्लॉट कांग्रेस पार्टी ने दिया कि नहीं दिया। और
चिलकुर लक्ष्मी नगर में जितना भी सरकारी सरकारी घर है, इंदिरा मा घर कौन बनाया? वो इंदिरा मा घर कौन बनाया? कौन बनाया? रोड़ा कौन डाले इसमें? चिलकुर लक्ष्मी नगर में रोड़ा कौन डाला? अर्बन हॉस्पिटल इधर कौन बनाया? दीदी जोर से बोलना, हाथ का निशान, हाथ का निशान। अर्बन हॉस्पिटल इधर गवर्नमेंट स्कूल कौन बनाया? दीदी बहन जी बोलना, कौन बनाया? पट्टा कौन दिया? कांग्रेस दिया दीदी। तो जोगू रामन ने क्या दिया? भुट्टा दिया। बोल क्या दिया जोगू रामन? क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? हाँ कुछ भी नहीं दिया, आपको भुट्टा दिया। ये 15 साल से पहले जब मसूद अहमद साहब एमएलए थे कांग्रेस पार्टी से, मसूद अहमद साहब, रामचंद्र रेड्डी साहब एमएलए थे, तब से आदिलाबाद में 40,000 प्लॉट गरीबों को बांटा कांग्रेस पार्टी। बांटा कि नहीं बांटा? बांटा कि नहीं बांटे? और जितना भी आदिलाबाद में घर बनाया 15 साल पहले, इंदिरा मा घर, वो पूरा हर एक घर 50,000 से ज्यादा इंदिरा मा घर कौन बनाया? इंदिरा मा घर कौन बनाया? कौन बनाया? कांग्रेस पार्टी बनाया। स्कूल बनाया आपको, आपको रेशन कार्ड कौन दिया? कौन दिया? और एक आरोग्यश्री कार्ड कौन दिया? और कांग्रेस पार्टी इतना किया, जोगू रामन ने 5 साल से कितना रेशन कार्ड बांटा? कितना बांटा? भुट्टा बांटा। एक रेशन कार्ड भी नहीं मिला 5 साल में, एक रेशन कार्ड। और दीदी दीदी एक घर भी बनाया क्या जोगू रामन ने? एक घर छोटू, एक घर बनाया? तो आप बार 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 4 बार जिताया जोगू रामन को, 4 बार क्या मिला आपको? 4 बार 15 साल से हमें एक ही एमएलए है, कौन है? जोगू रामन ना। 15 साल से कौन है एमएलए? जोगू रामन ने एक पीढ़ी को खत्म कर दिया, एक पीढ़ी को खत्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया 15 साल में। आपको कुछ भी नहीं मिला, आप मजदूरी करके, हमाली वक्त मजदूरी करके आप मिले तो आपको 200 लोग हर दिन मिलता है, जब काम नहीं मिले तो दूसरों से पैसा लेके आपका घर का जिंदगी गुजरते हैं आप। तो आप याद रखना दीदी, जोगू रामन ना क्या बोल रहे, चिलकुर लक्ष्मी वासियों को मैं जोगू रामन ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो बोल रहे इलेक्शन के टाइम पे हर घर को जोगू रामन ना 3 किलो मटन स्कीम बोल रहे, 3 किलो हर घर को 3 किलो मटन देता बोल रहे जोगू रामन, और 3 फुल बॉटल, 3 दारू बॉटल, 3 किलो मटन और 3 500 नोटा। बोल रहे कि चिलकुर लक्ष्मी वासियों, आदिलाबाद वासियों ऐसा वोट करते उसको। दीदी 3 किलो मटन में आपका घर बनता क्या? 3 दारू बॉटल से आपका पेंशन मिलेगा क्या आपको? 500 नोट से आपको रेशन कार्ड मिलेंगे क्या? आप सोचो 5 साल में एक जो नया शादी हुआ उसको एक रेशन कार्ड भी नहीं दिया, एक रेशन कार्ड। और वो बोल रहे जोगू रामन बोल रहे दादी को, चाची को, दादा को, चाचा दादा दादी को, एक नया दादा दादी को, चाची चाची को पेंशन मिलना है बोले तो
पुराना दादा दादी चाचा चाची मर जाना है बोल रहे हैं। सही बात है गलत? 5 साल से एक दादा दादी चाचा चाची को नया पेंशन मिला क्या? जो विधवा है विडो पेंशन से अकेले रहते हैं उनको एक को भी पेंशन मिला क्या 5 साल में? एक पेंशन? पेंशन नहीं दिया आपको, रेशन कार्ड नहीं दिया आपको, घर नहीं दिया आपको, घर नहीं बनाया आपको, एक नया घर के लिए जगह नहीं दिया। और ये सिपाही जोगरा मना क्या बोला आपको? आपको द्वाकरा लोन माफी करता बोला, बोला कि नहीं बोला? माफी हुआ क्या दीदी? द्वाकरों के लोग माफ हुआ? आपका खून चूस रहा है जोगरा मना, आपका खून चूस रहा है। दीदी आप जागरूक रहना, हुशियार रहना। दीदी मेरे को, मेरा बहन जी, मेरा दीदी, मेरा चाची दादी पे मुझे पूरा विश्वास है। अभी जोग रामन्ना को आदिलाबाद से भगाने केवल महिलाओं से होता है। दीदी द्वाकरा लोन माफ नहीं किया, और दीदी और रेशन कार्ड 5 साल से एक को भी नहीं दिया, माने ये 6 किलो का चावल का कार्ड रेशन कार्ड नहीं दे पा रहे। ये बोल रहे कि हम दलित को हर घर को 10 लाख दे देंगे। हर घर को कितना दिएंगे? दलित को कितना बोले? देखो शादी मुबारक, बच्चों पैदा होने के बाद भी नहीं आ रहे। अभी तक नहीं आया वो। देखो अन्ना क्या बोल रहे हैं, सही बात है। शादी मुबारक, बच्चों पैदा होने के बाद भी नहीं आ रहे। और एक बात बोलूं, दलित बंधु हर घर को 10 लाख रुपए देता बोला, बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? आदिवासी गिरिजन बंधु एसटी लोगों को हर घर को 10 लाख देता बोला, बीसी लोगों को 10 लाख देता बोला। अरे बड़ा सिपाही जोगू रामन्ना, पहले चावल का 6 किलो का चावल कार्ड दिलवा दो। चावल का कार्ड नहीं दिलवाता मगर ये बात करता है 10 लाख, और डबल बेडरूम के बारे में बात करता है। मिला क्या किसको डबल बेडरूम? मिला क्या डबल बेडरूम? मिला अन्ना आपको किसको मिला क्या डबल बेडरूम? दीदी 15 साल से यही झूठा वादा करके, झूठा बातों को बोल के आपको, आपको 15 साल से आपका खून चूस रहा है, खून चूस रहा है। मगर उन्होंने खुद के लिए, आदिलाबाद का जनता बोल रहा है जोगू रामन्ना ने 5,000 करोड़ रुपए कमाया उनको, 5,000 करोड़ रुपए। जोगू रामन्ना राजनीति में आने के पहले दीदी क्या काम करता था? दीपा बूढ़ा उनका गांव है जैनत मंडल, क्या काम करता था? भैंस चलाता था, भैंस चलाता था। सही बात या गलत बात? सही बात। आओ अन्ना जब तोड़ो, दीपा बूढ़ा में भैंस चलाता था। जोगू रामन्ना को 5,000 करोड़ रुपए कैसे मिला? यह आदिलाबाद का जनता सवाल पूछ रहे जोगू रामन्ना को। आप देखो दीदी आपको घर नहीं दिया, रेशन कार्ड नहीं दिया, चावल का कार्ड, पेंशन नहीं दिया, घर नहीं दिया, घर का जगह नहीं दिया, द्वाकरा लोन माफ नहीं किया, शादी मुबारक लेट आ रहा है, गवर्नमेंट नौकरियों को, गवर्नमेंट नौकरियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। ये पूरा जोगू रामन्ना पैसा खाने में बिजी है, पैसा खाने में बिजी है, नहीं बिजी है? ये 15 साल से कुर्सी पे बैठा, आपको क्या मेरा जोगू रामन्ना क्या दिया? ये बार जोगू रामन्ना कितना भी पैसा देता है वो पैसा ले लो, मगर भगा भगा के जोगू रामन्ना को हराना। ये बार हराएंगे कि नहीं हराएंगे? कितने लोग हराने के लिए तैयार है जोगू रामन्ना को? हाथ उठाओ, कितने? हाथ खड़ाओ, हाथ उठाओ, पूरा चिलकुरी नगर पूरा हाथ उठा रहे, पूरा चिलकुरी नगर कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, जोगू रामन्ना को सब भगाने के लिए तैयार है। भगा भगा के हराना दीदी, दीदी भगा भगा के हराना। आप याद रखना 15 साल से आपको कुछ भी नहीं किया। और दीदी दीदी आप सब लोग
एक बात याद रखना, हम कुकरा बांट रहे हैं हर हर महिला को, हर घर में, हर घर को एक कुकर बांट रहे हैं। तो ये कुकरा बांटने का प्रोग्राम को जोगुरामन ने क्यों रोक रहा है? हमारा गोडाउन को ताला लगाया जोगुरामन ने, ताला लगाया, कुकरों बाहर नहीं आने दिया। ये मैं मेरा खुद का मेहनत, मैं कभी आपको वोट मांगने आया क्या? कभी आया क्या दीदी? कभी आया क्या? ये मेरा दिन रात का मेहनत का पैसे से एक महिलाओं को, मेरा दीदी को, बहन जी को, चाची को, मौसी को, दादी को मैं कुकर दिए तो, प्रेशर कुकर दिए तो, दो ग्रामीणों को क्या दर्द हो रहा है? क्यों रोक रहे दीदी? एक कुकर बांटने का प्रोग्राम को जोगुरामन्ना और उनके चिमचा रौडिया रोके तो उनको झाड़ू और चप्पल दिखाना, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? दीदी झाड़ू और चप्पल से मारना नहीं, दिखाना है खाली, मारना नहीं, दिखाना है, जरूर दिखाना। दिखाएंगे क्या? कितने लोग दिखाएंगे? ये प्रोग्राम को रोके तो पूरा चिलकुरी लक्ष्मी नगर। और दीदी आप मेरे को महिलाओं पे दीदी से आपका छोटा भैया समझो मुझे, या आपका छोटा बेटा आपका परिवार में समझो मुझे, मगर मगर ये अगले चुनाव जो आ रहा है, आप जरूर कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद 4000 महीना पेंशन देगा कांग्रेस पार्टी। कितना देगा दादा दादी चाचा चाची को? चार उंगली उठाना, कितने देगा? 4000 पेंशन मिलेगा कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद। और जिनको घर नहीं है, ये मेरा वादा नहीं है दीदी, ये सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी का वादा है, ये मेरा वादा नहीं है। राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी आपको बताने के लिए बोला मुझे। और जिसको घर नहीं है उसको 5 लाख रुपए से कांग्रेस पार्टी घर बना देगा। कांग्रेस पार्टी ये पूरा घर कांग्रेस पार्टी बनाया कि नहीं बनाया? अभी भी पुराने जमाने में इंदिरा गांधी घर बनाया, फिर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब सोनिया गांधी आपका घर बनाया, अभी कांग्रेस पार्टी, हमारा कांग्रेस पार्टी आने वाले राहुल गांधी जी और रेवंत रेड्डी अन्ना आपको घर बना देंगे। आपको हमारा कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। सब सर्वे में देखो, सब सर्वे में ये बीआरएस टीआरएस लोग हार रहे बोल के बोल रहे, सब सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 73 सीट मिलेगा, 73 सीएमएलए सीट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी को 50,000 मेजॉरिटी से जिताएंगे, जिताएंगे ना जिताएंगे? आप में कितने लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, हाथ उठाओ, कितने गे? कितने लोग? आपका दुआ, महिलाओं की दुआ, बहन जी का, मौसी का, चाची का, दादी का, दीदी का दुआ मेरे लिए बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा इनाम है, आशीर्वाद है आपका। और ये बात दीदी, चिलकुरी लक्ष्मी नगर में जोगुरामन्ना 15 साल से आपको कुछ नहीं किया, अभी बदला लेने का वक्त आ गया। 15 साल से आपको जैसा भी धोखा दिया, बदला लेने के लिए तैयार रहो। ये बदला कैसा लेंगे? जोगुरामन्ना को हराने के बाद कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान पे वोट डाल के आप जोगुरामन्ना को बदला लेंगे।